हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन 2 मिनट सीरीज़। अब ये 2 मिनट सीरीज़ जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज का टॉपिक जो है रिवीजन के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? क्या कर रहे हैं हम रिवाइज? हम कर रहे हैं रिवाइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूपीएससी में, आपकी स्टेट सर्विसेज में, हर जगह जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि एक स्टैटिक टॉपिक है, बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है इसके ऊपर, विच इज़ वाई कई बार सिटर ईजी क्वेश्चंस भी जो हैं वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट बढ़ते हैं टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक्स विच इज़ टाइप्स ऑफ बिल्स। किस तरह की बिल्स जो है मेंशन्ड है जो कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आते हैं एंड जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन भी बात करती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स आर टाइप्स ऑफ बिल्स एंड द फर्स्ट बिल दैट वी लुकिंग एट। अब पहली जो है हम क्या कर रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएशन के थ्रू जो है हम देखेंगे, राइट? तो पहले बेसिक बिल्स दैट वी लुक एट आर प्राइवेट बिल्स एंड पब्लिक बिल्स। अब काफ़ी बार लोगों को ये नहीं समझ में आता कि प्राइवेट बिल का मतलब क्या है या पब्लिक बिल का क्या मतलब है। क्या ये ऐसा बिल है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को कैटर करता है? तो दोनों ही इनफैक्ट बिल्स ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के जो एक लार्जर गोल है उसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं इनमें? सबसे पहले पब्लिक बिल जो है इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम गवर्नमेंट बिल जो है, कई बार हम गवर्नमेंट बिल भी इसको बुला देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बिल। अब इसको गवर्नमेंट बिल भी क्यों बुलाया जा सकता है? बिकॉज बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है पार्लियामेंट के अंदर बाय अ मिनिस्टर। तो जो मिनिस्टर है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ द डे है विच कंप्राइजेज ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उस गवर्नमेंट के अंदर जिसके पास एक मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो है, एक मिनिस्टर इस बिल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि मे बी अगर कोई बिल है विच कंसर्न्स सम वाटरवेज एट्सेट्रा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो मिनिस्टर हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, या किसी भी से और इम्पॉर्टेंट चीज़ से या किसी रोड या किसी चीज़ से जो है एसोसिएटेड बिल आ रहा है तो आपकी इंफ्रा रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो आगे रख रही है, राइट? सिमिलरली अगर हेल्थ के बारे में आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के मिनिस्टर जो है इसको आगे रख रहे हैं। तो जब भी एक मिनिस्टर द्वारा बिल सामने रखा जाता है पार्लियामेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक या गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। तो फिर प्राइवेट बिल क्या हुआ? प्राइवेट बिल वो होता है जो कि एक मिनिस्टर ऑफ अ गवर्नमेंट नहीं बल्कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर तो कितने सारे मेंबर्स हैं, राइट? आप लगा लीजिए 543 हो गए आपके लोकसभा में, अनदर 245 हो गए आपके राज्यसभा में से। ठीक है, तो इनमें से आप मिनिस्टर्स को निकाल दीजिए। आपको पता होगा क्योंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये भी हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, राइट? दे आर सपोज्ड टू बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दीज मिनिस्टर्स, जितने भी बाकी बचे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो एंजॉय नहीं करते हैं, अगर वो एक बिल सामने रखें, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है ये हो जाता है। ठीक है, एंड मोर ऑफन देन नॉट हम देखेंगे मोस्टली ये उन पार्टीज़ के मेंबर्स द्वारा आगे रखा जाता है जो कि पावर में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई पार्टी पावर में है एंड उनके मेंबर के पास कोई आइडिया है किसी बिल के बारे में, तो वो जाके मिनिस्टर को कन्वे कर देंगे एंड वो मिनिस्टर ही जो है फिर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ ऑपोजिशन पार्टीज़ के जो एमपीज़ हैं जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल को आगे रखते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली जो पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल है, बिकॉज वो एक मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बेसिकली जो पार्टी इन पावर है जो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठी है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मोस्टली ये जो बिल्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने बताया दैट मोर ऑफन देन नॉट प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ द्वारा आगे रखे जा रहे होते हैं, तो मेनली ये ऑपोजिशन के जो कंसर्न्स है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिख रहा है कि सोसाइटी में किसी चीज़ के बारे में ऊपर डिमांड उठ रही है जिसके ऊपर मे बी गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एडिक्वेट स्टेप्स, तो उस पब्लिक मैटर के ऊपर एक बिल पेश करना ऑपोजिशन को लगता है कि हमारी ड्यूटी बनती है, एंड वो बिल जो है वो लेकर आते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल हो जाता है. नाउ व्हेन यू लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक बिल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ द डे के मिनिस्टर इसको लेके आ रहे हैं, एंड गवर्नमेंट कौन बना रहा है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, दिस इज द बेसिक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द पार्टी विच इंजॉयज मेजॉरिटी इन द लोकसभा, सो देयर आर अ ग्रेटर चांसेस of this bill really getting passed in the parliament. ठीक है, लोकसभा is the larger house, यहाँ पे जो है ज़्यादा नंबर होते हैं तो इसके अंदर तो पास कर ही जाएगा. लोकसभा में अगर अड़चन भी आती है तो हमें पता है joint sitting की provision होती है parliament में, तो joint sitting के अंदर overwhelming एक upper advantage किसको आता है, लोकसभा को आता है. ठीक है, तो there are chances, अगर ये एक ordinary bill है, राइट, मतलब ये money bill नहीं है, constitution amendment bill नहीं है, राइट, एक normal public bill है, एक ordinary bill है, राइट, तो ये चांसेस हैं कि गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया बिल ज़्यादा हर्डल्स फेस नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड, बिकॉज एन ऑपोजिशन पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइवेट बिल को, तो चांसेस ऑफ इट गेटिंग अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं. ठीक है, बिकॉज तुम्हें एक ब्रॉड पार्टी कंसेंसस बनाना पड़ता है और आपके पास उतने नंबर्स नहीं है टू रियली पुश दिस बिल थ्रू. नाउ ऑन द अदर हैंड, एक पब्लिक बिल जो है, क्योंकि हमने बोला गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करता है एंड गवर्नमेंट जो है इंजॉय करती है मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड एक एक ब्रॉड पॉपुलैरिटी इन द पार्लियामेंट, तो हम इमेजिन करते हैं कि दिस शुड गेट पास. अगर बिल्स जो है ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स पास नहीं होते हैं तो इट कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द कॉन्फिडेंस, स्पेशली अगर लोकसभा में नहीं होते. राज्यसभा क्योंकि अपर हाउस है, राइट, वहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट से मेंबर्स आते हैं, तो वहाँ पे फिर भी माना जा सकता है. अगर लोकसभा के अंदर जो है इसको अप्रूवल नहीं मिलता है, पास नहीं हो पाता है, तो दिस रेजेस क्वेश्चन मार्क अबाउट द पॉपुलैरिटी और द कॉन्फिडेंस दैट द government of the day enjoys in the house of the people, that is Lok Sabha, right. On the other hand, जो rejection है of a private member bill, क्योंकि एक normal MP ने किया है तो government से कुछ उसका लेना देना नहीं है, and already वो opposition में बैठे हैं, तो कोई impact नहीं आता on the government stability. ठीक है, then again जो public member का जो public bill है या government bill है, उसको notice period कितना चाहिए होता है, क्योंकि government introduce कर रही है तो it रिक्वायर्स अ मच शॉर्टर पीरियड ऑफ नोटिस. तो कितना नोटिस का पीरियड चाहिए, सिर्फ 7 दिन जो है उतना पीरियड चाहिए. ऑन द अदर हैंड, जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी प्रेपरेशन की ज़रूरत है एंड एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि सारा काम करेगा, तो देर इज़ अ लार्जर ड्यूरेशन ऑफ नोटिस पीरियड विच इज़ रिक्वायर्ड. तो कितना नोटिस देना पड़ता है, 1 महीना का जो है ये नोटिस पीरियड देना पड़ता है ना. वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट या पब्लिक बिल है तो क्या होता है, जो कंसर्न मिनिस्टर है, तो चाहे से वाटरवेज के बारे में आ रहा हो, हेल्थ के बारे में आ रहा हो, एजुकेशन के बारे में आ रहा हो, जिसके भी बारे में आ रहा हो, जो कंसर्न मिनिस्टर है वो लॉ डिपार्टमेंट, लॉ मिनिस्ट्री से जो है हेल्प लेके ये पब्लिक बिल फॉर्मुलेट कर सकता है. ऑन द अदर हैंड, जो बेचारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ड्राफ्ट करें इस बिल को. ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री नहीं, ऑफ द कंसर्न्ड एमपी. जो कंसर्न्ड एमपी है, जो इंडिविजुअल एमपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है इसको ड्राफ्ट करना एंड प्रॉपर शेप देना. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफ्रेंसिएशन हो गया बिटवीन 2 वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स जो कि आपको पता होना चाहिए, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल. अब यहाँ पे जो है एक और आप चीज़ नोट डाउन कर लीजिए जो हमारी होती है, जिसको हम बुलाते हैं एक तरह से, जो आपके ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है, अभी ऑर्डिनरी बिल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंटली ये माने जाते हैं ऐसे बिल्स जो कि ब्रॉड मैटर्स के साथ जो है डील करते हैं. ठीक है, आपके ऑर्डिनरी बिल्स. ठीक है, तो इनके अंदर हम क्या बोलते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है किसी भी हाउस में. ठीक है, चाहे लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी है या जो भी, राइट. इंट्रोड्यूस करते वक्त जो है इसको गजेट के अंदर जो है डाला जाता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि अच्छा ये बिल जो है इसके ऊपर डिस्कशन आने वाली है. ठीक है, जब वो फिर हाउस के अंदर ले डाउन किया जाता है, फिर बढ़ती है उसकी पहली रीडिंग की तरफ जो है हम जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो उसके जनरल एक कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में डिस्कशन होती है, राइट. सेकेंड रीडिंग के अंदर जो है डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कशंस होती हैं. देन एक कमेटी स्टेज आ सकता है. अगर हाउस को लगता है कि बहुत ही क्रूशल बिल है, टेक्निकल बिल है, या इसके अंदर और जो है हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो ये एक कमेटी को जो है रेकमेंड कर सकते हैं कि आप इसको स्टडी कीजिए एंड इनके ऊपर हमें सजेशन दीजिए। उसके बाद आता है फाइनल आपका थर्ड रीडिंग, जिसके अंदर पूरे डिटेल में जो है हर चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन होती है, क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग होती है एंड फिर जो है ये बिल पास कर दिया जाता है एंड दूसरे हाउस के पास पहुंचता है, जहां पे अगेन ये प्रोसेस रिपीट होता है टिल फाइनली इट इज़ पास इन द अदर हाउस एज वेल एंड इट इज़ गिवन टू द प्रेजिडेंट। अब प्रेजिडेंट के पास जो है पावर होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उनको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जब ये पास हो गया तो ये चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, जो कि इसको इधर साइन कर सकते हैं, अपना साइन दे सकते हैं, राइट, या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन। और अगर दोनों हाउसेस दोबारा इसको पास कर देते हैं विद और विदाउट अमेंडमेंट्स तो प्रेसिडेंट को नेसेसरीली इसको सेंड देना ही पड़ेगा, तब वो अपना सेंड जो है नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडली ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं जो कि पब्लिक बिल भी हो सकते हैं, प्राइवेट बिल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वी गो ऑन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड फाइनेंशियल बिल टू। ठीक है, अब मनी बिल जो है वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बिल्स जो कि हम देखते हैं। मनी बिल जो है कवर होता है अंडर व्हाट? दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 110 आर्टिकल के अंडर जो है ये कवर्ड है। वेयर इज ऑन द अदर हैंड जो फाइनेंशियल बिल 1 है, ये इसकी डिस्कशन की जाती है इन आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 जो है इज कवर्ड इन 117 क्लॉज 3। अब मनी बिल जो है, मनी बिल एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कंटेन्स सर्टेन प्रोविजंस दैट डील ओनली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? मनी। अब किस तरह का मनी है ना, क्या कोई फी या कोई पेक्यूनरी फाइन लगाने वाला भी बिल जो है मनी बिल हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये क्लियरली लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन से मैटर्स के थ्रू जो है मनी बिल डिसाइड किया जा सकता है। कौन से है ये मैटर्स? सबसे पहले अगर इम्पोज किया जा रहा है, अबॉलिश किया जा रहा है, रिमिस किया जा रहा है, ऑल्टर या रेगुलेट किया जा रहा है कोई भी टैक्स, तो ये मनी बिल होगा। देन अगर कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं अबाउट बोरोइंग ऑफ मनी या फिर किसी भी तरह से गारंटी जो देती है एक, हाँ जी हमने कहीं से लोन लिया कहीं बाहर से एंड उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम ये वापस करेंगे, तो वो गारंटी वाला भी जो है जो यूनियन गवर्नमेंट देती है उसको भी हम एक मनी बिल के अंदर ही काउंट करते हैं। देन जो कस्टडी ऑफ कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या फिर पे करना मनी ईदर फ्रॉम दीज फंड्स या फिर विड्रॉ करना या इनके अंदर पैसा डालना, ये सारा जो है क्या है एक मनी बिल कहलाता है। देन द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी हम अप्रोप्रिएट कर रहे हैं किसी पॉलिसी के ऊपर स्पेंड करने के लिए, किसी भी चीज़ पे स्पेंड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो डिक्लेरेशन है ऑफ एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब हम कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम कहते हैं कि दीज आर एक्सपेंडिचर्स विच आर चार्ज्ड ऑन द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि सैलरीज एक्सेट्रा होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सेट्रा की। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर अगर हमने से हम कल को डिसाइड करते हैं कि हमने से जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी की भी सैलरी जो है ये भी एक्सपेंडिचर ऑन चार्ज ऑन द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगी, तो ऐसी नई डिक्लेरेशन के लिए भी जो बिल आएगा वो क्या होगा? मनी बिल होगा। अगर आपने ऐसे एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो वो भी क्या होगा? वो एक मनी बिल ही होगा। देन रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कोई भी पैसा जो कि पब्लिक अकाउंट के अंदर भेजना है या कस्टडी ऑफ एनी सच मनी या फिर अगर ऑडिट हो रहा है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ईदर द यूनियन और स्टेट से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटीज़। ठीक है, वो भी जो है मनी बिल होता है। या कोई भी और मैटर जो कि इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल मतलब जुड़ा हुआ है टू द मैटर्स जो कि हमने स्पेसिफाई किए हैं फ्रॉम दिस ए टू एफ का क्लॉज, जो कि मैटर्स हैं डीलिंग विथ मनी बिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली मनी बिल, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो इसको सर्टिफाई कौन करता है? इसको सर्टिफाई करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये बात हमेशा याद रखनी ज़रूरी है कि सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है, वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, जो आपके स्पीकर हैं वो इसको सर्टिफाई कर रहे हैं। और ये बोला जाता था कि स्पीकर की ये जो पावर है ये क्वेश्चन नहीं की जा सकती इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। हाउएवर हमारे आधार जजमेंट में क्या हुआ, आधार जजमेंट में यही चीज़ जो है वॉज रेज कि वेदर जो आधार बिल था जो कि एज अ मनी बिल पास किया गया क्या वो मनी बिल था या नहीं। सो इवन द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव दैट येस इट वॉज अ मनी बिल, तो मतलब लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, दैट द फैक्ट दैट दे कुड क्वेश्चन एंड टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर बिल वॉज मनी बिल और नॉट मीन्स कि अभी भी ये जो स्पीकर की पावर है ये अवे नहीं है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इवन तो ये बोला जा रहा है दैट दिस विल बी केप्ट अवे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बट द फैक्ट कि इसको आधार के अंदर डिस्कस कर लिया गया रेजेज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम। ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल बिल्स फिर क्या है, फाइनेंशियल बिल 1 जो है बेसिकली कंटेन करता है कुछ मैटर्स, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही मैटर्स हों जो कि मैंशनड इन आर्टिकल 110, बट साथ ही में अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन भी होते हैं। ठीक है, तो एक दो से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें आ गई राइट, जो कि से कुछ अमाउंट के साथ डील करती हैं, मे बी फ्रॉम कंसॉलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड राइट किसी से, बट साथ ही में जनरल लेजिस्लेशन के भी बारे में है। ठीक है, तो जब सिर्फ मैटर ऑफ ये पैसा हो तो वो क्या है, मनी बिल है। जब पैसा प्लस जनरल लेजिस्लेशन बढ़ जाए तो ये फाइनेंशियल बिल ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी है जो कि आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आता है। फाइनेंशियल बिल 2 क्या है, फाइनेंशियल बिल 2 ऐसा बिल होता है जो कि इन्वॉल्व करता है सर्टन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट इट डज नॉट डील विद एनी मैटर्स जो कि 110 में है। तो ये कोई जनरल एक्सपेंडिचर कोई छोटी मोटी चीज़ के बारे में जो है बात कर रहा है, तो उसको हम फाइनेंशियल बिल 2 जो है उसके अंदर गिनते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू मनी बिल एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं कहाँ पे, इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं ओनली इन द लोकसभा। Now, Lok Sabha is the house of the people. Lok Sabha is also the house जो कि keeps a check on the purse of the government. And that is why जो मनी बिल है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है आपको चाहिए। यही सेम प्रोसेस जो है फाइनेंशियल बिल के अंदर भी अप्लाई होता है कि इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। नाउ ऑन द अदर हैंड जो आपका फाइनेंशियल बिल 2 है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन आइदर ऑफ द हाउस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कोई रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टू इंट्रोड्यूस सच अ बिल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली मनी बिल के बारे में आपको एक चीज़ जो याद होनी चाहिए, क्योंकि मनी बिल है और आप पैसा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पैसे के साथ जो है डील कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। देयरफॉर जो मनी बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ बाय अ मिनिस्टर, सिर्फ जो एक मिनिस्टर हैं आपके जो कि गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर हैं सिर्फ वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द लोकसभा। तो लोकसभा में अब ये पास हो गया, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। पर राज्यसभा की जो पावर्स है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं राइट। इट इज़ द लोकसभा विच इंजॉयज द अपर हैंड, द सुप्रीम पावर व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा को बस मतलब आप ना एक मॉनिटर वाला थोड़ा सा काम कर लो, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। राज्यसभा रिकमेंडेशंस दे सकता है, बट इट इज़ कंप्लीटली अप टू द लोकसभा वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस और नॉट। वेरी इंपॉर्टेंटली राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल विद इन कितने, विद इन 14 डेज। ठीक है, चाहे आप रिकमेंडेशन के साथ भेजिए या आप रिकमेंडेशन के बिना भेजिए, इट इज़ अप टू द लोकसभा वेदर दे एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और नॉट। अगर राज्यसभा 14 डेज के विद इन वापस नहीं भेजती है बिल, देन द बिल इज ऑल्सो डीम टू हैव बीन पास्ड इन द राज्यसभा एज इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द लोकसभा। ठीक है, जैसे लोकसभा ने पास किया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स जो कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल बिल्स है, दैट इज फाइनेंशियल बिल 1s, ये जो है यहाँ पे राइट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी प्रोसीजर जैसे कि हमने ऑर्डिनरी बिल के अंदर देखा था राइट, वो जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता है, एक्सेप्ट दैट एनी अमेंडमेंट अदर देन जो कि रिडक्शन ऑफ या फिर अबॉलिशन ऑफ टैक्स के साथ डील करती है ये मूव नहीं की जा सकती इन द हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। सो बाकी पूरा प्रोसेस जो है सेम है, बट एक एक्सेप्शन है कि अगर कहीं पे भी अबॉलिश या कम किया जा रहा है टैक्स, तो ये करने के लिए ऐसी एक अमेंडमेंट लाने के लिए इन द बिल आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी, रिकमेंडेशन चाहिए होगी ऑफ द प्रेसिडेंट। ना व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल बिल्स टू, है ना, हमने देखा था किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर दो, कोई प्रायर रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ही जो है वो फॉलो हो रहा है, किसी भी हाउस द्वारा जो है पास किया जा सकता है अनलेस नाउ एक यहाँ पे जो है छोटी सी कवीट है। छोटी सी कवीट क्या है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है बट ये पास नहीं किया जा सकता बाय ईदर ऑफ द हाउस अनलेस the president has recommended to that house the consideration of that bill. तो prior approval नहीं चाहिए but after the bill has also been introduced, right? At any stage जो है आप consideration या recommendation of the president जो है मांग सकते हैं क्योंकि final passage of the bill in both the houses के लिए, right? किसी भी house में अगर आपने लोकसभा में पास करना है, राज्यसभा में पास करना है, आपको president की वो recommendation की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो मनी बिल है उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है उनके पास क्या ऑप्शन है, राइट? क्या उनको देना ही पड़ेगा अपना असेंट? अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि ईदर विद होल्ड योर असेंट, ठीक है, अपना असेंट जो है विद होल्ड कर दीजिए कि मैं नहीं दूंगा, या फिर अपना असेंट दे दीजिए। यही दो ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं है टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेस। तो जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बिल के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकते हैं, वो मनी बिल के अंदर जो है प्रोविजन नहीं है, राइट? फाइनेंशियल बिल वन टाइप जो है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो या तो अपना असेंट दे दें या विदहोल्ड कर लें या इवन रिटर्न कर सकते हैं वो रिकंसिडरेशन, एंड सिमिलर इज द केस विद फाइनेंशियल बिल टू। मतलब तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल वन हो या फाइनेंशियल बिल टू हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इन केस ऑफ मनी बिल, क्योंकि ओवरवेलमिंग पावर लोकसभा के पास है तो जॉइंट सिटिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, सो देर इज़ नो नीड फॉर जॉइंट सिटिंग, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट सिटिंग। बट फॉर बोथ मनी फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द फर्स्ट टाइप एंड फाइनेंशियल बिल्स ऑफ द सेकेंड टाइप आप जो है एक जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि याद रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट वेरी क्विकली लेट्स कवर द लास्ट टाइप ऑफ बिल जो कि मेंशन किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट में आता है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 जो है कवर करता है। ना वेरी इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 368 के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दिए गए हैं ये किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, बट स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं इंट्रोड्यूस किए जा सकते। सेकेंडली ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं बोथ बाय अ मिनिस्टर। याद है मनी बिल के अंदर क्या था, सिर्फ मिनिस्टर कर सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी है नहीं, ये मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक प्राइवेट मेंबर जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कोई प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स अंडर आर्टिकल 368, इसमें भी दो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट बिल्स हैं। द पहला टाइप जस्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड द सेकेंड टाइप requires a special majority plus the ratification by states. अब special majority in the parliament क्या है? ये basically कहता है that whenever we are dealing with certain provisions जो कि deal करते हैं say with fundamental rights, अगर हमने उसको amend करना है, directive principles of state policy, right? या ऐसे कोई भी और provisions जो कि say इन categories में नहीं आते हैं पर बहुत important है, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट चाहिए, ठीक है? और स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट क्या होती है, इसका मतलब है अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टोटल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी में क्या था, सिर्फ प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप की क्या मतलब है कि यहाँ पे टोटल जो मेंबरशिप है, राइट, टोटल मेंबरशिप जितनी हाउस की है रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर आर वैकेंसीज और रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर आर एब्सेंटीज, दैट डज नॉट मैटर। यहाँ पे टोटल मेंबरशिप में से जो है अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है? ये जो रिक्वायरमेंट है ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ये प्रोवाइड की गई है किसके अंदर, दिस हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, ये लिखी गई है इन द रूल्स ऑफ द हाउसेज एट ऑल इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ द बिल। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रीडिंग पे, सेकेंड रीडिंग पे एंड थर्ड रीडिंग पे, हर स्टेज ऑफ द बिल पे कोई भी आपने चीज़ जो है, एक क्लॉज भी पास करना हो, हर चीज़ के लिए आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, नॉट जस्ट द फाइनल। इवन दो व्हाट मैटर्स इज द फाइनल पैसेज ऑफ द बिल, बट जस्ट टू बी इवन मोर कॉशियस ये ऐड किया गया है कि हर इफेक्टिव स्टेज ऑफ द बिल पे जो है हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंटली इन द सेकंड टाइप ऑफ बिल जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन है, जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डील करते हैं विद द फेडरल स्ट्रक्चर, राइट, जो हमें फेडरलिज्म है उसके साथ जो भी डील करते हैं, से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के साथ कुछ डीलिंग हो गई, प्रेजिडेंट के इलेक्शंस के साथ जो है कुछ डील हो गया, जो आपकी लिस्ट आती है 7th शेड्यूल के अंदर उसके साथ अगर बात कर दी गई, इन सब के लिए जो है आपको क्या रिक्वायरमेंट है? पहली चीज़ तो द सेम प्रोसेस ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, यू ऑल्सो नीड दिस बिल टू बी रैटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज 50% से ऊपर, राइट, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये हमेशा याद रखिए। क्या कोई टाइम लिमिट सेट की जा सकती है कि इस पीरियड के विद इन जो है हमें सेंड चाहिए बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स? तो कोई टाइम लिमिट नहीं है फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू गिव देयर कंसेंट। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर 50% मतलब मेजॉरिटी से ऊपर वाला स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इस बिल को कंसेंट दे दिया तो ये बिल जो है पास हो गया। सपोज कोई स्टेट बोले अच्छा मैंने तो कंसेंट नहीं दिया, इट डज नॉट मैटर, व्हाई? बिकॉज हाफ ऑफ द स्टेट्स ने दे दिया। तो अगर तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जब तक हाफ ऑफ द स्टेट्स ने अपना कंसेंट दे दिया है, इट डज नॉट मैटर कि हर स्टेट की असेंबली जो है इसको अप्रूव करे। राइट, सम मोर थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट इट। सबसे पहले, मच लाइक द मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो भी जो है इसको डिस्कस करने के लिए अगर कोई भी डेडलॉक आता है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, यू कैन नॉट होल्ड अ जॉइंट सिटिंग। And lastly, very importantly, the president must give his assent to the Constitution Amendment Bill. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें टू रिमेंबर अबाउट दीज बिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए, इनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली, हमारी जो रिविजन सीरीज़ हैं वो भी चल रही हैं। 12 बजे जो है हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स रिवाइज कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर दोज पीपल जो कि 2021 में अटैम्प्ट दे रहे हैं, बट हमें पता है कि आजकल पिछले साल, लाइक पिछले 1 साल से 2 साल के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं अटैम्प्ट इन 2022 या 2023, आपके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जो बच्चे HCS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम कोर्सेज ले आए हैं। हमारे ऑप्शनल के फुल फ्लेज्ड कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल है फॉर बोथ सोशियोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस, एंड GS की भी जो है हमारा कोर्स एंड टेस्ट सीरीज विल बी सून देयर। राइट, सो कीप रिवाइजिंग, कीप regularly looking at these videos because they will take you a very long way, right? तो practice करते रहिए, constantly test लिखते रहिए, and that's about it. Thank you and see you in the next lecture.